ये भोपाल की 6 नंबर चौपाटी है और स्वाभाविक है चुनावी चस्का हम देखने आए हैं। हालांकि लोग यहाँ टेस्ट ले रहे हैं अलग अलग व्यंजनों का अलग अलग चौपाटी पर आकर, लेकिन आम जनता के जहन में क्या चल रहा है वो इस चौपाटी पर हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। चारों तरफ आप देख सकते हैं यूथ भी है इसमें, फैमिलीज भी हैं, लोग पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ जुबान के साथ जहन में चल रहा है ये जानने का प्रयास। जब लोकसभा चुनाव हैं, मुद्दे क्या हैं आम जनता के, पब्लिक के? सर मुद्दे तो देखिए, लोकसभा का चुनाव होता है ये तो स्थानीय मुद्दे तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये चुनाव लड़ा जाता है अपना क्या है कि सेंट्रल के मुद्दों पर। तो सवाल बात इस बात का है कि जो अभी दौर चल रहा है तो मुद्दे तो सबसे बड़े मुद्दे तो है कि संविधान हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है चुनाव, उसमें एक अहम पार्ट होता है जिसमें जनता जो है ना वो निर्णय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। तो सवाल इस बात का है कि जो चुनाव में लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है, अभी जो हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं और जिस हिसाब से ईडी का प्रयोग ये सब किया जा रहा है जी। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो मौलिक अधिकार है ना जी, उसका हनन है और ये बहुत गहरी बात है जी। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। दूसरा फिर विकास होना चाहिए, विकास के लिए आज जो बेरोजगारी है सारी चीजें हैं। अब भोपाल को ही ले लीजिए, भोपाल ने 20 साल से मास्टर, आपने कहा ईडी आईटी, क्या अगर कोई गलत करा तो एक्शन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, उसका डर नहीं होना चाहिए कि मैंने आपके ऊपर ईडी बिठाकर अपने तरफ मिला लिया तो आप दूध के दूल्हे हो गए, वॉशिंग मशीन में आप आ गए, नहीं तो क्या है। वो डर नहीं होना चाहिए। वो देखिए न्यायिक प्रक्रिया का आप मजाक ना उड़ाएं, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की जेब से निकाला, ये जो चीज है ना ये नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना ठीक बात। बस जो दल बदल हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि भाई ये ईडी आईटी इनका बहुत दुरुपयोग हुआ है या बीजा इस्तेमाल हुआ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुद्दे पे की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ज़्यादा राजनीतिक में दखल नहीं देता इसलिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन क्या ये मसले नहीं है क्या, सीए जो देश में लागू हुआ, यूसीसी पर भी बहुत चर्चा हो रही थी, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, जो बड़े काम के तौर पर गिनाती है सरकार, ये मुद्दों पे तो अगर हम कहें तो पार्टी अच्छा कर रही है, करना भी चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये मैं कहूँगा डेवलपमेंट में काउंट करने वाले मुद्दे हैं एक्चुअली। और देश में कहीं ना कहीं धर्म की बात हो रही है तो ठीक ही हो रहा है वैसे देखा जाए, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। क्या लगता है भैया, क्या है मसले, क्या है देश के? देश के मसले लोकतंत्र में जो हमारा पर्व आने वाला है जिसे कहते हैं लोकसभा चुनाव, जहाँ हम 543 लोग पार्लियामेंट में बैठ के इस देश का निर्माण करते हैं, लेकिन इस समय जो देश के बड़े लीडर हैं वो डराए हुए सहमे हुए। ईडी का इतना अगर गलत किया है तो फिर डरना चाहिए ना। गलत किया है तो ईडी को ही 2 महीने पहले क्यों याद आ रहे, चुनाव के पहले ईडी तो पहले भी काम कर सकती थी। ईडी तो बहुत पहले से एक्शन में, अगर पर्टिकुलर किसी नेता के सामने 2 महीने पहले आया तो हम ये मान लें गलत है। रांची का, झारखंड का देखो, शिव सोरेन का देखो, फिर केजरीवाल का देखो, या हमारे यहाँ वर्तमान के पूर्व सीएम कमलनाथ के प्रस्तावक को गोल कर दिया जाता है, ये लोकतंत्र बचा है? ये तो हत्या हो रही लोकतंत्र की, आने वाला जो छोटा बच्चा का भविष्य है वो खत्म है। लेकिन आपने कहा कि ये देखिए, दूसरी बात ये कि अगर आईटी, ईडी और इनकम टैक्स या फिर हमारी जो संस्था है सीबीआई, ये गलत अगर कोई कर रहा है, नहीं अगर कोई गलत कर रहा है तो उसी को कंट्रोल करने के लिए बनी है ना, एक्शन के लिए उसका एक समय सीमा होना चाहिए। चुनाव पीरियड को हमें आचार संहिता का मतलब ही ये होता है कि उनको उन चीजों से बाद पहले जो चीजें होना चाहिए, जितनी पॉलिटिशियन होना चाहिए उनके एक समय सीमा होना चाहिए, समय सीमा पे ही कार्रवाई होना चाहिए। जिस समय चुनाव प्रक्रिया सामने आती है तो आप उनको कहीं ना कहीं किसी निकट घेरे में खड़ा कर देते हैं, जिससे कि उनके कार्यकर्ताओं की छवि खराब हो, उनके कार्यकर्ताओं को मनोबल डाउन हो, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है ना। जो होना चाहिए पहले होना चाहिए। ईडी इतनी लेट क्यों है, सीबीआई इतनी लेट क्यों है, इतनी लेट क्यों, आखिर काम करना है तो पहले करें हम। चलिए, एक फैमिली है, परिवार है जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, इस परिवार से जरूर समझेंगे। आप स्वाद ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, टेस्ट ले रहे हैं। चुनाव आ गया भाई, सब कुछ क्या है जहन में, चल क्या रहा है? मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। नहीं लेकिन क्यों, मतलब कुछ कारण होगा, कुछ उसके काम आपको अच्छे लग रहे होंगे? हाँ, काफी कुछ अच्छे काम हुए जो अभी तक नहीं हुए वो मोदी सरकार ने करके दिखाए हैं वो काम।
चाहे धारा 370 हो या फिर कोई और भी अलग अलग जो सारी चीजें हैं, वो सब चीजें हैं। हिंदू अपने आप को इसमें एक सुरक्षित मानता है। आपको लगता है कि ये वो काम है शायद कोई और नहीं कर पाता? जी जी, आप भी कुछ गिना रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा इसको और डेवलप करें थोड़ा सा क्षेत्र और बेहतर विकास और हो। जी 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 जी, तो ये देखिए पूरा परिवार आया हुआ है यहाँ पर टेस्ट लेने। ये चौपाटी जहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, चलते हैं। चोर चोर मोसेरे भाई थे जी, अब वो पकड़ा रहे हैं तो रो रहे हैं, और कुछ ही बात नहीं है। और सबसे बड़ा स्कीम तो यूपी में हुआ, अभी पुलिस भर्ती घोटाला, और योगी जी बुलडोजर बाबा, सॉरी घोटाले से बड़ा नहीं है वो। मैं देखिए बुलडोजर बाबा क्या कह रहे हैं, जांच होगी, कब होगी जांच, कब होगी? वो लाखों युवाओं के साथ स्कीम हो रहा है, कब होगी, कब होगी जांच? देखिए सब, जब आप डिबेट में आते हैं आप हमेशा आरोप प्रत्यारोप की तरफ बढ़ जाते हैं। आपके पास कोई विजन है क्या? कोई रोड मैप है क्या? यही इनके नेता को माननीय प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर कहा था कि हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे काम करिए, वो भी नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा विपक्ष क्या करता है, एक अच्छे विपक्ष को क्या करना चाहिए, इसकी भी सलाह माननीय प्रधानमंत्री ने दी थी, वो भी नहीं ले पाई। अब मैं पूछता हूँ इनसे, आपके पास कोई रोड मैप है क्या इस चुनाव में आने के लिए? मैंने अपना रोड मैप बताया, हम पिछले 10 वर्षों के विकास के कार्यों पे, अगले 25 वर्षों के योजनाओं पे, और अगले 100 दिन का हमारा रूपरेखा भी तैयार। आपके पास कुछ ऐसा है? बिल्कुल, बीजेपी के पास पूरा रोड मैप है, और हम सर पूरा रोड मैप लेके बीजेपी खड़ी है। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास पूरा रोड मैप है, और जो कांग्रेस पार्टी का रोड मैप था उस पर ही बीजेपी चली है। जो रोड मैप था उस पर ही चली है। हमारा बांध हमारे IIT हमारे, एम्स हमारे, सारे हमारे थे, उसी पे राज कर रहे हैं, और उसको बेच कर उसको, अच्छा उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी हो गई है, उसको बेच कर ये खर्चा चला रहे हैं, उसको बेच कर खर्चा चला रहे हैं, और इनने स्टेशन बेचे, एयरपोर्ट बेचे, इनने सब बेच दिया, एयर स्टेशन बेच दिया, बंसल को बेच दिया, ये बेच गए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनका इनको लगता है कि इनका शीर्ष नेतृत्व बेरोजगार है तो पूरा देश बेरोजगार है। इनका कहने का मतलब बस इतना है, इनका शीर्ष नेतृत्व बेरोजगार है, सब बेरोजगार। देखिए मैं बता दूं, कांग्रेस का रोड मैप क्या था 2014 का, जब बजट पेश हो रहा था तो इस देश की जो वित्त मंत्री थी कांग्रेस की ओर से, वो कह रहे थे कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था जो बनेगा वो 2044 में बनेगा, तो 2044 में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कह रहे थे। और आज हमें, आज देखिए मोदी जी ने 10 साल का शासन किया और इस देश को आर्थिक अर्थशास्त्र के उस रोड पर दौड़ाया, जो आज हम 2000 आने वाले 2-3 साल में ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, जहां फ्रेजाइल 5 में आते थे आज हम टॉप 5 की आर्थिक शक्ति बन गए विश्व की, ये बात है। तो कांग्रेस का रोड मैप था, कांग्रेस बेरोजगार हुई है तो कांग्रेस हुई है, भूख से मर रही है, बिलबिला रही है तो कांग्रेस बिलबिला रही है, क्योंकि इनको हर जगह सत्ता रूपी मशीन। आप युवा हो, बस रोजगार की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है कि भाई शिक्षा की भी बात हो रही है, आपको क्या लगता है क्या है वर्तमान स्थिति जमीनी? सेंट्रल में 30 लाख पद खाली अभी भी, वो क्यों नहीं भरे जा रहे? IIT IIMs में 15,000 से ज्यादा रिक्त पद है, उन्हें भरा नहीं जा रहा, और जो स्कैम्स हो रहे हैं एजुकेशन में, परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं, तो उस पर बात क्यों नहीं होती? बिल्कुल, ये 2-3 मसले आए कि भाई इन पर बात क्यों नहीं होती, जवाब दीजिएगा फिर मैं कुछ और लोगों को। कौन सा मसला है भाई? एक तो रोजगार भाई, दूसरा ये कि चलिए देखिए रोजगार, मैं बड़ी अच्छी बात कह रहा हूँ, सेंट्रल में लाखों वैकेंसीज हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए रोजगार दो प्रकार का रोजगार होता है किसी भी दुनिया के अंदर, एक संगठित क्षेत्र होता है, एक असंगठित क्षेत्र होता है। और भारत के अंदर अगर हम संगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो मात्र 5% संगठित क्षेत्र में रोजगार होता है, उसमें EPFO काम करता, और EPFO का डेटा ने अभी देख लीजिए, पिछले 9 साल में लगभग 18 करोड़ जो नए उसके अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं लोग नौकरी वाले, तो मात्र 5% में जब मोदी सरकार ने 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, जहां 5% संगठित क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली 5% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, और 95% में मैं दावे से कहता हूं, जो हमने आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलाए हैं, 42 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दिए हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है, 80 करोड़ समझाया जी। EPFO का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई कैसे 5% EPFO और दूसरा असंगठित क्षेत्र से रोजगार मिलता है। दादा चुनाव है लोकसभा के, अब वोट डालेंगे ना?
डालेंगे, सोच समझ के डालेंगे और किस में डालेंगे। अच्छा। सोचेंगे, सोच समझ के तो डालेंगे, लेकिन मतलब मुद्दे क्या रहेंगे अपने, क्या दिमाग में चलेगा, किसमें डालेंगे, वो तो अपने ऊपर रहेगा, वो तो अपने ऊपर रहेगा, वो बिल्कुल मत बताइए। मुद्दा क्या है अपना, क्या है मुद्दे? मुद्दा आज तक किसने क्या किया है, क्या विश्वास है, कौन क्या करेगा, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो। अच्छा। हम किस पे विश्वास करें? हम किसी पे विश्वास नहीं करते, किसी पे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, क्या है आज तक, क्या हुआ? बारी थे भारी है। अच्छा। कोई बेरोजगार तो है ही नहीं। हाँ। कि हमें बेरोजगार मिल रहा हो। हाँ। कि हमें रोजगार मिल रहा हो। बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन देखिए दो तीन बातें हैं कि भाई 10 साल में विकास आप गिनाते हैं, लेकिन आप नकार कैसे सकते हैं भाई पिछले साल में क्या जो IIT की बात हुई, IIM की बात हुई, एम्स की बात हुई, भाई जो पहले थे वो तो कांग्रेस के शासनकाल में ही बने। भाई जब घर बनता है ना, तो नींव किसी को ना किसी को डालनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है ना, नहीं तो घर कैसे बनेगा? अब किसने 4 पिलर डाल के एक कमरा बना दिया, ठीक है ना, और वो कितने देर में वो कमरा बना, ठीक है ना भाई? आपने 65 साल राज किया, उसमें आपने 2 कमरे बनाए, और 10 साल हमारे राज हुए, उससे हमने मल्टी पे मल्टी बना दिए, तो उसका एक रेशियो भी होता है ना, कि भाई मैं घर तो मैंने बनाया था। अरे भाई आप आके बैठे तो आप ही बनाओगे ना पहले जी। भाई हमें बाद में चांस मिला, लेकिन बाद में हमें कितना चांस मिला और हमने कितनी ग्रोथ दी है, ये कंसिडरेबल है कि नहीं? नहीं, एक आरोप लगता है, अब बार बार कहा जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे 2014 में देश आजाद हुआ हो। हाँ बिल्कुल यही बात है भाई, बिल्कुल यही बात है। आप बताइए कि 2004 से 14 तक बॉम्ब ब्लास्ट की संख्या गिनिए आप, क्या हम आजाद थे? चार से चौदह की मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाता, ठीक है ना? नहीं, विकास सब विकास सतत प्रक्रिया होती है वक्त के साथ। एक मिनट, हम आजाद की बात करें, लालटेन में आपने भी पढ़ाई करी होगी, मैंने भी करी है, लेकिन 14 के बाद कोई लालटेन में पढ़ाई नहीं करता, कोई फूक फूके। बहुत बड़ा देश है, विविधताओं वाला देश है, वक्त के साथ। मैं आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा आ रहा हूँ, कुछ और लोग हैं जिनसे बात करेंगे। भाई साहब चुनाव आ गए हैं, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, ऐसे कौन से मसले हैं आपको लगता है जिन पर वोट डलेगा या डालना चाहिए, विचार होना चाहिए? वोट रोजगार पर डलना चाहिए, शिक्षा पे डलना चाहिए, सबसे बड़ा है उद्योग पे डलना चाहिए। उद्योग तो कहीं दिखाई नहीं रहा, कहाँ दिख रहा? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर कितनी जनसंख्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी जनसंख्या? यहाँ सारे लोग बेरोजगार हैं अभी मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर डला क्या? लालटेन में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो भैया लालटेन में उस समय पढ़ाई कर रहे थे तो नौकरी मिल रही थी, इस समय तो लाइट में पढ़ाई कर रहे तो नौकरी कहाँ मिल रही है? क्या करेगा आदमी पढ़ के उसमें लोट में, हमें बताइए ना, कहाँ नौकरी मिल रही है? नहीं ठीक है, देखिए सरकार कहती है हम आपके लिए नए स्टार्टअप्स भी लॉन्च कर रहे हैं, दूसरा ये कि आपके लिए स्वरोजगार का भी मौका दे रहे हैं। अब जैसे मैंने पढ़ाई की तो मैं शिक्षा की तरफ बढ़ूंगा, या मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की तो मैं डॉक्टर तरफ बढ़ूंगा, या मैंने इंजीनियरिंग की तो मैं इंजीनियरिंग की तरफ रोजगार चाहूंगा। लेकिन मैं अब कहां, मैं कह दिया जा रहा है कि हम आपको स्टार्टअप इंडिया के तहत में आपको कुछ लोन दे रहे हैं, आप खुद की कुछ मशीन बनाइए, ऐसे ठेले चाट के ठेले लगाइए, ट्रेनिंग की सरकार व्यवस्था कर रही है। हाँ तो 2% इस देश में 2% नौकरियां हैं, कहाँ गई? सारा निजीकरण हो गया, आपके हिसाब से ये बेरोजगार, पूरा देश निजीकरण पे जा रहा है, पूरा देश निजीकरण की ओर जा रहा है। मानता हूँ सब ठेले खोल लेंगे तो खाएगा कौन? जब मैं बात एक पंचर के ऐसा बेरोजगार है क्या? नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो चाय की रेडी लगा रहा है वो बेरोजगार है। नहीं, इनका शीर्ष नेतृत्व तो बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। आज की डेट में आप नॉर्मल आदमी से जब भी बात करेंगे, आप हटके पार्टी, हम बीजेपी कांग्रेस, जब भी आप नॉर्मल आदमी से बात की, आप सारी चीज सामने आ गई। रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है, आदमी परेशान है, पैसे के लिए परेशान है, घर में स्थितियां, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है लोगों की। जब तक रोजगार लोगों को नहीं मुहैया हो, सरकार कोई भी हो, रोजगार मुहैया नहीं कराओगे आप, तो निश्चित रूप से लोग परेशान है, महंगाई से परेशान है, महंगाई कंट्रोल करो, रोजगार दो लोगों को, आप सरकार में तो करो ना, आप क्यों नहीं करा 10 साल में आपने? देखिए प्रशांत जी, रोजगार की और ये सारी बिल्कुल जरूर जो है, मैं बात करूंगा कि जिस प्रकार से हम 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन दे रहे हैं, तो कांग्रेस अकेली भूख से बिलबिला रही क्योंकि सत्ता से दूर। ये देखिए इसमें सुनिए, आपने 80 करोड़ आपने कहा कि हम राशन दे रहे हैं लोगों को, तो क्या ये बताता नहीं कि अभी भी 80 करोड़ गरीब हैं? नहीं नहीं, ये नहीं है प्रशांत जी, 80 करोड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सुन लीजिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाज जो है सड़ रहा है इसको दे दो गरीबों में। ये कांग्रेस निर्लज्ज कांग्रेस, इस कांग्रेस ने महापाप किया और इसने हमारे भारत की जनता को भूखा मरने दिया और अनाज को सड़ने दिया, और आज हम इतना समर्थन मूल्य से
अनाज परचेज करती है सरकार कि उसको हम भंडारण में नहीं चढ़ा सकते। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम सबको बांटेंगे। आखिरी चरण में हम कुछ और सवाल लेंगे, गरीबी एक और भाई साहब है, आखिरी सवाल हम लेंगे। भाई साहब, चुनाव है, कुछ लोग इसमें राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलर मुद्दे क्या है आम जनता के? अब मुद्दे तो मुद्दा तो भाई साहब राम मंदिर था जो बन चुका है उससे हम संतुष्ट हैं। जी, मैं आ रहा हूँ। मुद्दे तो वैसे लेकिन बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी का एक ही दिन में मुद्दे तो वैसे स्वास्थ्य होना चाहिए और शिक्षा होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए। और वैसे मोदी की जो अर्थव्यवस्था पर काम कर रहे हैं और विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं इस समय, तो हमें लग रहा कि मोदी मंदिर अपनी जगह है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये असल बात, ये है भारत की जनता की आवाज, ये सुनिए आप। अब ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे अंधभक्त है, ये बोल दिए कोई आम जनता बोल देती है। ठीक है, लेकिन क्या आप उन कामों को नकार सकते हैं जो 2014 से पहले या भाई उस एक छह वर्ष की सरकार बीजेपी की भी रही, लेकिन उससे पहले जो काम हुआ उसे नकारा जा सकता है? नकारा तो हमने नहीं, नहीं, काम क्यों नकारा जाएगा, काम तो अब इतने 50 साल से काम चल रहे हैं। लेकिन जो मोदी के आने से जो अर्थव्यवस्था और भारत के लिए जो नाम मिला है वो शायद ऐसा प्रधानमंत्री अब दूसरा नहीं होगा। और मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा ले, जब 4 जून को रिजल्ट आएगी, चले इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे 6 जून का, इंतजार करेंगे। लेकिन देखिए 6 नंबर चौपाटी में हम यहाँ पर थे, हमने बात की, कुछ राजनीतिक लोग भी थे, आम जनता भी थी यहाँ पर, उनकी प्रतिक्रिया जरूर आपने सुनी। सब मुद्दे हैं मिलाकर, सब मुद्दों पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन स्वाभाविक है, दावे अपने अपने हैं। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल।